सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राज ज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज आपको मेरे चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कुराहट नजर आ रही होगी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, उसके पीछे कारण यह है कि मुझे मेरे दीपावली का गिफ्ट मिल गया है। और ये देखिए, ये मैंने जो कमेमोरेटिव कॉइन बुक किया था वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं और अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है। मैं चाहता था कि दीपावली के शुभ मौके पर आप सबके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूं। देखते हैं इसमें कौन कौन से कमेमोरेटिव कॉइन आए हैं, आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार टकसाल मुंबई की स्थापना सन 1829 में की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी टकसालों में से एक है। इसका एक लंबा गौरवशाली इतिहास है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन के लिए सिक्के ढाले हैं और अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के लिए सिक्के ढाल रही है। उसी कड़ी में ये स्मारक सिक्के महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती के उपलक्ष में जारी किए गए थे और दीपावली के शुभ मौके पर ये मेरे हाथ में आ चुके हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभल ग्राम राजस्थान में हुआ था। इनके पिता श्री महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। इनके राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के 54वें राजा थे। महाराणा प्रताप मात्र 32 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर विराजित हो गए थे और 1572 से 1597 तक इनका राज था और गोरिल्ला वार तकनीक से उन्होंने अकबर को भी ललकारा था। 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना का आमना सामना गोगुंडा गांव के पास हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। अकबर की सेना का सेना नायक था सैयद हाशिम, जो सैयद मोहम्मद खान का बेटा था, और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो गई थी। परंतु महाराणा प्रताप ने दूसरे अटैक की प्लानिंग की और इस लड़ाई को बैटल ऑफ दीवार के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना विजय हुई थी और अपने हारे हुए ज़्यादातर क्षेत्र मुगलों से वापस प्राप्त कर लिए थे। इन्हीं की याद में ये 100 रुपये एवं 10 रुपये के दो कमेमोरेटिव कॉइन के सेट प्रूफ सेट व यूएनसी सेट में जारी किए गए हैं। चतुर्थ मिश्र धातु के 100 रुपये के सिक्के का वजन 35 ग्राम, जिसमें चांदी 50%, कापर 40%, निकल 5% व जिंक 5% है। इसकी साइज 44 mm और साइड में जो दांते रहते हैं उनकी संख्या है 200। और ये जो 10 रुपये का बायोमेट्रिक कॉइन है, इसका वजन 7.71 ग्राम, साइज 27 mm, आउटर रिंग एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज, जिसमें कापर 92%, एल्यूमिनियम 6% व निकल 2% है। इसके सेंटर पीस में कापर 75% व निकल 25% है। इन सिक्कों में एम मिंट मार्क दिया गया है, जो इस बात का सूचक है कि ये प्रूफ कॉइन है और इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई में ढाले गए हैं। और ये हैं डॉक्टर M.S. सुब्बुलक्ष्मी की जन्मशती पर जारी किए गए स्मारक सिक्के। डॉक्टर माधुरी शान मुखावाद्यु सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें डॉक्टर M.S. सुब्बुलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 16 सितंबर 1916 मदुरई मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ये प्रथम म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न व रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुब्बुलक्ष्मी ने अपना प्रथम परफॉर्मेंस प्रतिष्ठित मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर 1929 में दिया था, जब वे मात्र 13 वर्ष की थी। और उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा और अन्य भी कई जगहों पर इंडियन कल्चरल एम्बेसडर के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई थी। और इनकी शान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं कौन, एक तुच्छ प्रधानमंत्री, मेरे से पहले एक रानी, म्यूजिक की रानी है M.S. सुब्बुलक्ष्मी। और लता मंगेशकर जी ने इन्हें तपस्विनी कहा था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने इन्हें संगीत का 8वां सुर कहा था। महान राष्ट्र नेता सरोजिनी नायडू ने इन्हें नाइट एंगल की उपाधि दी थी। इन्हीं की याद में इनकी जन्मशती पर ये प्रूफ सेट व यूएनसी सेट जारी किए गए हैं। इस सेट में भी दो कॉइन 100 रुपीज व 10 रुपीज के हैं। इन सिक्कों का वजन, मेटल कंपोजिशन, साइज सभी कुछ पहले वाले दोनों सिक्कों जैसा है। तो देखा दोस्तों, ये
महाराणा प्रताप की 475वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में जारी किए गए 100 रुपए और 10 रुपए के यूएनसी सेट और प्रूफ सेट के सिक्के जो आज मेरे हाथ में आ चुके हैं, और साथ ही साथ एमएस शुभलक्ष्मी के प्रूफ कॉइन और यूएनसी कॉइन सेट, इसमें भी 100 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो आपको मैंने दिखाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो अवश्य ही लाइक और कमेंट कीजिए, और याद रख के शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए अद्भुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।